शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ, जहां राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। केसरी हिल इलाके में एनकाउंटर हुआ है, दो जवान इसमें शहीद हुए हैं। सेना के एक अफसर समेत चार लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राजौरी में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। एडीजीपी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं, दो जवान इसमें शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी है। आपको बता दें, आज सुबह से ही यहां पर दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी थी और राजौरी के कंडी इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। केसरी हिल इलाके में एनकाउंटर हुआ है, दो जवान इसमें शहीद हुए हैं और कुछ आतंकवादी भी इसमें मार गिराए हैं। सेना के एक अफसर समेत चार लोग इसमें जख्मी हैं। इसके इतर राजौरी में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। एडीजीपी भी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एनकाउंटर साइट की कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों को बहुत आगे तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है। एरिया को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद मीडिया कर्मियों को आगे जाने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन एडीजीपी मौके पर पहुंचे हैं, एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। राजौरी के कंडी इलाके में आज सुबह से ही ये एनकाउंटर मुठभेड़ जारी थी, जिससे खबर निकल कर आई है कि कुछ आतंकवादी ढेर हुए हैं। वहीं सेना के दो जवान शहीद हुए हैं और चार जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी शक्ति ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शक्ति, क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पाए हैं इस पूरी खबर पर? इस वक्त उसी कंडी इलाका में हूँ, यहाँ सुबह से जो है इनकाउंटर चल रहा है। और इस वक्त की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, पैरा मिलिट्री भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और उसके बाद ड्रोन के माध्यम से भी पूरे इलाके में जो है वो सर्च बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। फायरिंग जो है फिलहाल पिछले एक घंटे से जो है वो रुकी हुई है, फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा है। पूरे इलाके को जो है वो सर्च पूरे इलाके में चलाई जा रही है और किसी भी सूरत में वो आतंकी जो है वो बच ना पाए, यहाँ से निकलने में वो कामयाब ना हो, ये सिक्योरिटी फोर्सेज की सबसे बड़ी चुनौती है। और सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे इलाका में, जो पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, काफ़ी मुश्किल इलाका है यहाँ पर, उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा फोर्सेज भी और जो है वो मंगाई गई हैं और इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। साथ ही शक्ति, ये भी बताया जा रहा है कि पूरे इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कुछ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और इस एनकाउंटर साइट का जायजा लिया जा रहा है। बिल्कुल, इंटरनेट जो इंटरनेट खिदमत है वो अभी जो है वो थोड़ी देर पहले ही वो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पूरे राजौरी जिला में जो है वो बंद कर दी गई है और क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई पैनिक ना फैले और कहीं वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो आतंकी करने के बाद जो यहाँ से फरार ना हो जाए, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को ये भी अतला मिली थी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं और कहीं वो हेल्प जो है वो ना उनको मिल सके। इसको लेकर जो है इंटरनेट की खिदमत पूरे राजौरी जिला में बंद कर दी गई है। आला अफिसर जो है, जैसे मैंने कहा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जो है वो इस वक्त जम्मू से यहाँ पहुंच चुके हैं और इस पूरे इलाका में जो है वो सर्च चलाई जा रही है और बड़े पैमाने पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की सबसे बड़ी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से शाम होने तक उन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए, क्योंकि रियासी से पटा हुआ ये इलाका है और अगर कहीं ना कहीं रात तक सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी ना मिली तो वो यहाँ से दूसरे जिला में भी दाखिल हो सकते हैं। ये वही इलाका है जहाँ से करीब चार महीने पहले तालब हुसैन को जो है वो तालब हुसैन जो कि यहीं का रहने वाला है, उसी का जो अरेस्ट किया गया था, उसे रियासी से पकड़ा गया था, वो तालब हुसैन का इलाका है और यहाँ पर ओजीडब्ल्यू का सहयोग भी जो है वो टेररिस्ट को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सबसे बड़ी जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की यही है कि शाम होने से पहले पहले इन आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। बिल्कुल शक्ति, और सिविलियंस की मूवमेंट को किस तरीके से यहाँ पर रखा गया है? जो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, उन पर किस तरीके से जांच की जा रही है या फिर उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है यहाँ पर? यस्मीन, सिविलियन की मैं बात करूँ तो सुबह से ही मंदिर गाला से आगे गाड़ियों की आमोदराफत किसी भी सूरत में नहीं
गाड़ियां जाने दी जा रही, बंद की है गाड़ियों की आमदोरफ्त मंदरगला इलाका में। ये मंदरगला कंडी से कंडी के नजदीक का इलाका है और वहीं उससे आगे जो है वो सिविल कोई भी गाड़ी जो है वो जाने नहीं दी जा रही। लंबी कतार जो है वो सड़क पर सिविल गाड़ियों की है और पैदल जो लोग जा रहे हैं उनकी भी तलाशी लेकर उन्हें पैदल जो है वो यहाँ से भेजा जा रहा है। और इस तरह से बुद्दल का एरिया हो, कोटरंका का हो, खवास का हो, ये तमाम एरिया में जो दूसरी सड़कें हैं तमाम सड़कों को है बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो नहीं है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है वहां से जो है वो टेररिस्ट जो है वो वहां से कहीं दूसरी जगह चले गए हैं और कहीं ना कहीं पूरे एरिया को इसलिए इंस्पेक्ट किया जा रहा है कि कहीं वो और कोई घटना ना कर दें, कहीं सिविलियन को निशाना ना बनाएं, या कहीं और कोई बड़ी कामयाबी उन्हें ना मिले, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को वो निशाना ना बनाएं। इसको लेकर जो है वो एहतियात बरता गया है और पुलिस ने इस एहतियात के तहत सिविलियन बिल्कुल यानी शक्ति कहा जा सकता है कि सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव बनी हुई है और अभी भी तलाशी अभियान जारी है और आतंकवादियों को ढेर करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। नजर आप बना के रखें शक्ति, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा पाकिस्तान अब आतंकवाद को बनाए रखने के लिए एक नई साजिश को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते अब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अपने कब्जे वाले ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क टावर धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर नियंत्रण रेखा के आसपास के लोगों का कहना है कि पिछले 6 से 7 महीनों में उनके आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे मोबाइल नेटवर्क हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वो आतंकवादियों को उनके साथ संपर्क करने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय नेटवर्क प्रयोग करने पर आतंकवादियों का पता चल जाता है। अभी जो है पाकिस्तान जो पिछले 4-5 महीनों से लगातार नए टावर लगा रहा है, नए हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि इससे जो है आने वाले समय में मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ेगी और इससे ज़्यादा उनका नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे हमारे यहाँ काफ़ी वो लोगों से आप सिमों से बातचीत होगी। तो इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये पहले ये टावर ने आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है, पिछले 5-6 महीने से वो लगातार टावर जगह जगह नए टावर लगा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको रोकना चाहिए। 5-6 महीने से हर जगह बॉर्डर पर वो अपने टावर लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई नई सोच, नई कोई बदमाशी जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिससे हम अपनी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी फौज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए और चौकसी बरतिए। ये कोई नई साजिश जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे देश में होने को जा रही है। आप लोग देख सकते हो सामने जो है वो टावर जो है वो लग चुका है। मेरे हिसाब से 5 ककड़ियाँ सब्जियाँ, ये नूरकोट नकरकोट, ये पीछे आप देखो देखभाल मलदियाला तेड़वा, इस यहाँ पे भी नए नए टावर लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश को बर्बाद करने की कोई नई चाल जो है पाकिस्तान ने शुरू की है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जारी आतंकवाद अब दम तोड़ने पर था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाने शुरू कर दिए गए, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ LOC पे घुसपैठ करवाई जाती है, दूसरी तरफ जो ड्रोन के रास्ते हथियार और पैसा और ड्रग्स दिलाए जाते हैं। उसी के साथ अब पुंछ जिले में पाकिस्तान की एक नई साजिश सामने आ रही है। अगर हम बात करें पुंछ जिले के आसपास जितनी भी ऊंची पहाड़ियां जो जहां पर पाकिस्तान की सेना बैठी है, वहां पर नए मोबाइल नेटवर्क टावर जो है पाकिस्तान की तरफ लगाए जा रहे हैं। उस नेटवर्क टावर लगाने का एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर में या पुंछ जिले में मौजूद जो आतंकी हैं या उनके मददगार हैं उन तक जो है अपना नेटवर्क पहुंचाया जाए, क्योंकि भारतीय जो नेटवर्क है उस पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चेक लगाया गया है और अगर भारतीय नेटवर्क से कहीं सिम से बात होती है तो भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है उस सिम को पकड़ लेती है। लेकिन पाकिस्तान की ये नई साजिश जो है अपने मोबाइल टावर लगाकर पुंछ जिले के अंदरूनी एरिया में इस तरह का नेटवर्क देना और जो अपने आतंकी हैं या उनके मददगार हैं उनसे संपर्क साधने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती पेश हो सकती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार पाकिस्तान और आतंकवादियों की जो हर साजिश को नाकाम बना रही है, लेकिन LOC पर इस तरह के नेटवर्क टावर लगाना पाकिस्तानी एक बड़ी और नई साजिश जो है वो आने वाले समय में सुरक्षा के लिए चिंता बन सकती है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से।
अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। G20 समिट के मद्देनजर और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पठानकोट से लेकर जम्मू तक हाईवे पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हाईवे पर जगह जगह नाके लगाकर हाईवे पर हर एक वाहन की गहनता से तलाशी ली जा रही है। वहीं हाईवे पर सीसीटीवी से भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। हम इस समय मौजूद है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और जिस तरह G20 सम्मेलन जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है उसके चलते अगर हम बात करें सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें जहां बॉर्डर इलाके की बात करें सुरक्षा ग्रिड को जो है वो बढ़ा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले सभी वाहनों को जो है वो बड़ी गहनता के साथ चेक किया जा रहा है, चाहे छोटे वाहन हो बड़े वाहन हो, और सभी का आईडी कार्ड जहां पे चेक किया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो G20 सम्मेलन को लेकर जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सुरक्षा को जहाँ कड़ा कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें बॉर्डर इलाकों में BSF की तरफ से भी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ SOG की तरफ से भी गश्त जो है वो बढ़ा दी गया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे में दिन के समय की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तरफ से नाके लगाकर आने जाने वालों की तलाशी जो है वो ली जा रही है, और साथ ही साथ रात के समय में भी पुलिस की तरफ से जो है वो गश्त जो है बढ़ा दी गया। इस मौके पर हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर और ठीक आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो हाईवे पर जो है वो तलाशी जो है वो की जा रही है। CCTV कैमरे से भी जो है वो हाईवे पे नजर रखी जा रही है और लगातार अगर हम बात करें सिक्योरिटी को लेके तो G20 सम्मेलन के मद्देनजर और आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा को कड़ा कर दिया। और लगातार पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स जो हैं वो मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है कि बड़े जो एक आतंकी हमले की जो साजिश है वो रची जा रही है। खासकर अगर हम बात करें पठानकोट से लेकर जम्मू तक की तो सुरक्षा को इसी बीच जो है वो कड़ा कर दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो चेकिंग जो हाईवे पर की जा रही है और सुरक्षा को कड़ा करते हुए चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इसी के चलते खासकर अगर हम बात करें सांबा कठुआ बॉर्डर की बात करें काफ़ी संवेदनशील इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा नापाक कोशिश जो है वो इस इलाके में करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी के चलते अगर हम बात करें सीमांत इलाकों में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। News18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद को आज के समय में कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। With more than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. रक्षा विश्लेषकों ने गोवा में SCO शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का स्वागत किया। रक्षा विश्लेषक सेवानिवृत्त कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि इस बयान से पाकिस्तान पर अपनी सर जमी से आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसे मदद देना बंद करने का और दबाव बनेगा। News18 से बात करते हुए कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि ये पाकिस्तान के हित में है कि वो अपनी सरजमी पर आतंकवादी गतिविधियां बंद कर दे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैज टू बी स्टॉप्ड और जितना जल्दी इसको करें
और एससीओ एक पूरा मैं कहूंगा एकजुट होके इसके खिलाफ खड़ा हो तो ये बंद हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बंद हो सकता। सिर्फ ये है कि हम उसमें फिर अपने स्वार्थ ना ले लें कि चाइना अपना स्वार्थ ले ले, नहीं जी पाकिस्तान के साथ उसको अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो है इसलिए वो कह नहीं जी इसको छोड़ दो जी। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोस्क्राइब टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे, वहां पे जलसे करते हैं वहां पे सब कुछ करते हैं क्यों नहीं पकड़े जा रहे, वो पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनकी अपनी क्रिएशन है वो। तो इसीलिए जो हमारे फाइनेंस जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल सही कहा, और उससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा उन्होंने भी सही कहा कि ये जो टेररिज्म है ये नहीं चल सकता। देखिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है आज की डेट में, जिस हिसाब से पाकिस्तान ये बैगिंग बाउल लेके घूम रहा है सब जगह, उसको पैसा क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है एफएटीएफ में भी ग्रे लिस्ट में था और उसके अंदर आईएमएफ अभी तक लोन देने को तैयार नहीं है उसको, क्योंकि उनको पता है ये जो पैसा जाएगा ये जो जहां इस्तेमाल होना वहां नहीं होगा, ये साइफन ऑफ हो जाएगा और साइफन ऑफ होकर कहां हो जाएगा ये टेररिस्ट। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करते हैं। पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, बांग्लादेश एयरवेज के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। बांग्लादेश से जो काठमांडू जा रहा था विमान, उसकी तकनीकी खराबी के कारण ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है पटना में। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, बांग्लादेश से काठमांडू की तरफ ये विमान जा रहा था जिसकी तकनीकी खराबी के कारण पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां बांग्लादेश एयरवेज के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पटना हवाई अड्डे पर हुई है। यह विमान बांग्लादेश से काठमांडू की ओर जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान पूरा हो गया है, लेकिन लगातार चल रहे खराब मौसम और पुंछ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रह रहकर होने वाली बर्फबारी के चलते अभी अगले 5 से 6 दिनों में मुगल रोड पर यातायात बहाल होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि मुगल रोड पर जल्दी यातायात बहाल करने को लेकर पुंछ जिला प्रशासन प्रयासरत है, जिसके चलते कल जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने भी मुगल रोड का पीर की गली तक दौरा कर मुगल रोड की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग को मुगल रोड को जल्द से जल्द वाहनों के चलने योग्य बनाने के निर्देश दिए। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है और अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मंथन हो रहा है। सीएम सुक्खू की पहली पसंद सुरेंद्र चौहान को मेयर पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो नरेंद्र ठाकुर डिप्टी मेयर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए जल्द ही सभी पार्षदों की बैठक होगी। शिमला नगर निगम चुनाव में 34 वार्डों में से 24 वार्डों पर कांग्रेस जीती है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू शिमला लौटने के बाद नाम तय करेंगे। इससे पहले सुक्खू सरकार के दो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिमला में जनादेश के लिए जनता का आभार जताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उन्होंने निशाना साधा। मंत्रियों ने कहा कि जनता में कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भरोसा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है, ये ऑर्गेनिक जीत क्या है? शिमला में हिमाचल के 12 जिलों के लोग रहते हैं, ये हिमाचल की जनता का जनादेश है। पूर्व सीएम अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और कांग्रेस अपने सभी वादे पूरा करेगी। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से कांग्रेस पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विशेषकर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। कल परिणाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी चाहे कांग्रेस की सरकारें रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। कल माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने और विपक्ष के नेता ने जी अपने जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझें हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो दो विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बड़े बहुत इतने बड़े नेता जो कि पांच साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा उनका जो कहने का तत्व था मैं उनको कहना चाहूंगा। और राजौरी में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ के कारण इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन बड़ा अपडेट निकल कर आया है जहां राजौरी में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। सुबह से ही राजौरी के कंडी इलाके में मुठभेड़ जारी थी, एनकाउंटर चल रहा था जिसमें सेना के दो जवान शहीद हुए हैं और चार जवान इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बंद थी। लेकिन अब जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। मुठभेड़ के कारण इंटरनेट सेवाएं बाधित थी, हर आने जाने वाले की वहां पर चेकिंग हो रही है और अभी भी पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें, राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। इससे पहले एनकाउंटर के दौरान, मुठभेड़ के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन अब जो ताजा अपडेट राजौरी से निकल कर आया है, हालांकि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इंटरनेट सेवाओं को अब बहाल वहां पर कर दिया गया है। राजौरी में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। मुठभेड़ के कारण ये इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी, लेकिन अब इन्हें बहाल कर दिया गया है। और चलिए हम परवेज का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं परवेज। पाकिस्तान में जिस तरीके से शिया समुदाय के ऊपर हमला हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक हाल ही के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर अब आक्रोश कश्मीर में जो शिया समुदाय के लोग हैं उन पर भी उनमें भी बढ़ता जा रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। शियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शियों का कत्ल माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन। एजाज साहब, आज का एहतजाज किस सिलसिले में है यहाँ पे? देखिए आप सबको पता हो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी बताइए किस सिलसिले में आज का एहतजाज? जिस तरीके से शियों का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरीके से दर्द मंदाना मौत दिया जा रहा है उनको, मैं ये मानता हूँ ये पाकिस्तान का फेलियर है। और जिस तरीके से वो अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ है और जिस तरीके से शिया और सुन्नी के बीच में आपस में तफरक डालने का काम किया है, उनको अपने देश हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। आपको पता होगा हिंदुस्तान में भी अकलेती रहते हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा जेनोसाइड कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में शियाओं की किलिंग हो रही है, पिछले 3 साल में अगर देखोगे 8,000 से ज्यादा शिया कम्युनिटी के लोगों को वहां पे शहीद किया गया है।
मेरी तमाम वहाँ रिलीजियस और सियासी जमातों से गुजारिश है कि जो प्रोसिक्यूटेड शिया कम्युनिटी है वहाँ पे उनको बचाया जाना चाहिए। इस्लाम के दो अंग है शिया और सनी, जब शिया का कत्ल हो जाता है सनी को भी दर्द हो जाता है, तो इसीलिए उनको शिया सनी को इख्तिलाफात में नहीं पड़ना चाहिए और उनको एक साथ हिम्मत के साथ अपने इस्लाम का नाम रोशन करना चाहिए। आज कश्मीर की जगह जगह पे इस किस्म के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्लियर मैसेज है यहाँ से पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान में जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन हो रहा है शिया कम्युनिटी का, ये बिल्कुल दुखित है और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपने देश हिंदुस्तान से सीखना चाहिए और जिस तरीके से हिंदुस्तान में प्रोसिक्यूटेड जो हमारी माइनॉरिटीज है उनको जिस तरीके से बचाया जा रहा है, आपने देखा पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूटेड लोग थे उनको भी सीएए के तहत इंडिया ने बसा लिया, तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत बड़ा उदाहरण है डेमोक्रेसी का और हमें अपने देश पे फख्र है, अपने मुल्क पे फख्र है और हम यही मानते हैं कि जिस तरीके से बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा जिस तरह का ये वाकया पेश आया है किस तरह आप इस वाकया को देखते हैं और क्या इसके खिलाफ आप कहना चाहेंगे? सर देखिए हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं, इसमें कोई तफरुक नहीं है शिया और सुन्नी के बारे में, शिया सुन्नी हमेशा एक है, हमेशा एक रहेंगे। ये पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है शियों को मार के उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही एक घिनौनी साजिश है, एक घिनौना काम है, इससे पाकिस्तान को बाज आना चाहिए, पाकिस्तान को हमारी माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए और शिया सुन्नी हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे इंशाल्लाह, और ऐसा कोई नहीं है, हमारे बीच में कोई तफरुक नहीं है आपस में, मगर ये जो है जो वहां पर सियासत चल रही है, जो ये काली सियासत चला रहे हैं शिया और सुन्नियों को बांटने में, ये एक दिन जरूर फेल होगी और उनको हमारे देश से सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे यहां पर शिया सुन्नी मोहब्बत से खलूस से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कैसे खलूस के साथ चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये चीजें उनको हमारी कंट्री से सीखनी चाहिए। आप मानते हैं कि रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा चलता है वहां पे पाकिस्तान में और यही वजह है जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, हमने देखा कि शिया कम्युनिटी हो या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या फिर सिख कम्युनिटी हो, अक्सर उनको वहां पे टारगेट किया जाता है, क्या आप मानते हैं कि रेडिकलाइजेशन जो है उसकी वजह से? ऑफकोर्स सर ये तो रेडिकलाइजेशन हो ही रहा है, आप अगर वे बैक 10 साल पीछे भी जाए या पीछे उनकी हिस्ट्री उठाए, वो तो हमारे आशूरा के जुलूस में सीधा अटैक करवाते हैं, बॉम्ब अटैक करवाते हैं, बॉम्ब सुसाइड अटैकर्स को मंगवाते, हमारे जो मुहर्रम के जो जलूस है, हमारे मुहर्रम के जो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, जो हमारा इस्लाम का एक बिल्कुल मेजर पार्ट है, उसमें हमें शिरकत नहीं करने दे रहे, हमें जुलूसें नहीं निकालने दे रहे, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, माएं बुजुर्ग सब होते हैं, ठीक है, तो उनको मारा जाता है, हम तो अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए आगे निकलते हैं, उसमें शिया सुन्नी नहीं होता, उसमें सुन्नी भी हमारे साथ शाना बशाना। बिल्कुल, और इस बीच रईस मागरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, आज कश्मीर में जगह जगह जो पाकिस्तान में हो रहा है शियाओं के साथ उसके विरोध में आज सड़कों पर उतरे हैं, आपके पीछे भी मैं विरोध प्रदर्शन देख पा रही हूं, जरा बातचीत करिए और क्या कुछ कहना है इन प्रदर्शनकारियों का? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है जड़ीबल श्रीनगर में जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेकर हो रहा है जिस तरह से रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है, किल किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट इसी को लेकर है और यहाँ पे आप बिल्कुल विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान जिस तरह से ये किलिंग हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उन्हें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और यही वजह है कि यहाँ पर हम लगातार जो है वो प्रोटेस्ट पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला भी करेंगे जी नहीं है। जिस तरह से अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पोस्टर जिनके हाथ में है और इस पे लिखा हुआ है कि स्टॉप शिया जेनोसाइड इन पाकिस्तान, सॉलिडिटी विद परा चिनार एंड वी प्रोटेस्ट दीज हिंड्रस क्राइम्स अगेंस्ट शिया मेंबर्स, साफ तौर पे यहाँ पे जो है इसी चीज को लेके यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे जो पोस्टर्स वगैरह है यहाँ पे आप इनके हाथों में देख सकते हैं। जी किस चीज को लेके प्रोटेस्ट? जो पिशावर में कल जो दर्दनाक जुल्म की वजह से देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने मजलूम तरीके से उन लोगों को मारा गया, हमेशा वहाँ पे होता है मस्जिदों में वगैरह हर जगह वहाँ पे मजलूम होता है, हम उसकी मजम्मत करने यहाँ पे निकले, नमाज पढ़ के हमने सोचा हमें ये आवाज़ जरूरी उठानी है, हम उनके साथ है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है दुनिया में हम उनके साथ है, हम उन मजलूमों के साथ है।
जिस तरह से ये हो रहा है, जिस तरह से किलिंग हो रही है। देखिए हम यहाँ पे जरीबल के कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त हम जमा हो गए हैं। आपने जो देखा होगा पारा चिनार में जो कल ये कातिलाना हमला जो वहाँ के उस्तादजा किराम वहाँ के जो टीचर्स थे, आप लोगों को पता होगा ये टीचर्स जो ये कौम के सरमाया होते हैं उन पे जब किसी जगह की हुकूमत उन पे जब किसी जगह की एजेंसी नहीं बख्शेगी तो वहाँ के लोगों का तो खुदा ही हाफिज होता होगा। जो ये कल कातिलाना हमला जिनमें वो आठ टीचर्स वहाँ जो उनका कत्ल किया गया, हम उस चीज के खिलाफ हम उस चीज उन भाइयों के उन मजलूम जो जो कल कत्ल हुए उनके शान बशान खड़े हैं। हम यहाँ से इस हमने ये प्रोटेस्ट उन्हीं के हित में किया। आज हम यहाँ से इसकी पुरजोर अल्फाज में जिसने भी ये कातिलाना हमला जिनने उनको कत्ल किया पुरजोर अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं और हम मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। पारा चिनार के मुसलमानों के साथ, मुसलमान भाइयों बहनों के साथ हम शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ा रहेंगे, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वहाँ जो हमला इमामवाड़े में होता है, चाहे वो जो मस्जिद में हमला होता है। वो तो वहाँ पे अगर किसी की जान चली जाती है, वहाँ पे अगर कोई शहीद होता है तो वो वहाँ का मुसलमान ही हमारा भाई हमारी बहन ही शहीद होती है। तो उस चीज के खिलाफ हम यहाँ पे आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पूरा जड़ीबल कल से मुबतला है तो इंशाल्लाह हम मरते दम तक इस चीज के खिलाफ रहेंगे जिस चीज का खुदा ने भी कुरान शरीफ में जी रही। हर जगह इसी तरीके के प्रोटेस्ट आज देखने को मिल रहे हैं। परवेज एक बार मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि पार चिनार पाकिस्तान के जिस इलाके में शियाओं पर यह हमला हुआ है वो अफगान बॉर्डर पर पड़ता है। इसके अलावा इससे पहले भी इसी तरीके से हमले शियाओं पर हुए हैं और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज जताया जा रहा है। और इसी के साथ कहा जा सकता है कि जो बार बार बयान आते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का जो है वो सेफ नहीं है, पाकिस्तान में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वही सेफ नहीं है, तो ये तमाम हरकतें जो सामने आती हैं वो इन बातों को चरितार्थ करती हैं, प्रूफ करती हैं कि जो कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में वो सही है। बिल्कुल जैस्मिन, ये इन सब वाकात से जो है ये इस बात पे मोहर लग जाती है कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को जो है वो टारगेट किया जाता है पाकिस्तान में। जैसा यहाँ भी लोगों ने कहा और जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो इस पे हमेशा अपनी राय यही रखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जिनको पहले पाकिस्तान ने ही शय दी थी और बाद में वो उनके काबू से बाहर हो गए, तो ऐसे ही एलिमेंट्स जो रेडिकलाइज हैं उनके हरकत जो है ऐसे पेश सामने आती हैं। न सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जिसमें शिया कम्युनिटी आते हैं या अहमदी कम्युनिटी आती है, न सिर्फ उनको टारगेट किया जाता है बल्कि अक्सर देखा हमने कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है या फिर सिख कम्युनिटी जो है उनको भी वहां पे टारगेट किया जाता है। यहां पे अगर हम इन प्रोटेस्ट के हवाले से बात करें तो इन प्रोटेस्ट में एक बात साफ कर दी गई कि जिस तरह से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिलता है इंडिया में उसी तरह की प्रोटेक्शन जो है माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में भी मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिन एलिमेंट्स को जिन सांपों को पाला था आज वो उनके ही हाथ से बाहर निकल गए हैं और आज उनको ही वो वापस डस रहे हैं। ये वही रेडिकलाइज्ड मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान के जिनको पहले अलग अलग बाकी कंट्रीज के खिलाफ यूज किया गया लेकिन बाद में जो ये एलिमेंट्स हैं फिर वे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ही वापस रुख किया। हमारे साथ एक और नौजवान है यहाँ पे जो इस पे बात करेंगे, थोड़ा इनसे भी जानना चाहेंगे। आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए यहाँ पे, आपने अपने बच्चे को भी साथ लाया है, तो क्या फीलिंग्स है इस जो ये किलिंग्स हुई है जो मैसेकर हुआ है पाकिस्तान में? फीलिंग्स सर देखिए, सर अभी जो हमारी यहाँ पे गैदरिंग है इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल सुन्नी भी है, शिया भी है, मतलब हमारा जो यहाँ पे भाईचारा कायम है इंडिया में बहुत यूनिटी है। बस यही हम इसीलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे इंडिया से सीखे कुछ कि कैसे यूनिटी है हमारे इंडिया में, कि जैसे वहाँ पे देख रहे हैं शियों को माइनॉरिटी है वहाँ पे, उनको जैसे टारगेट बनाया जाता है हमेशा, तो इसीलिए हम मजम्मत करते हैं इस यहाँ पे, इसलिए हम जमा हुए हैं कि हम चाहते हैं वहाँ पे जो है पूरा मतलब शियों को ना मारा जाए, वहाँ पे जैसी यूनिटी है वो बरकरार होनी चाहिए। हमने देखा न सिर्फ शिया कम्युनिटी को बल्कि क्रिश्चियंस को भी वहाँ पे अक्सर टारगेट किए गए, खासतौर शिया कम्युनिटीज हमने देखे जब भी बड़े त्यौहार होते हैं वहाँ पे शिया कम्युनिटीज के आशूरा वगैरह होता है उसमें ज्यादातर ये टारगेट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी फेल हो गई है वहाँ की जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्शन देने में? बिल्कुल सर, हम यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जो टोटली वो वहाँ पे जो है बेसिक मुद्दा जो होता है उनका वो राजनीति चलाते हैं, लहजा उनको सीखना चाहिए। हमारे जो इंडिया में यूनिटी है वो हम ये कहना चाहेंगे वो टोटली फेल्ड है,
कि वहाँ पे जब भी मुहर्रम होता है या कुछ भी प्रोसेशन होता है, जैसे हम यहाँ पे पूरा बाकायदा यहाँ पे जैसे हमारी सिक्योरिटी होती है, मुहर्रम हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लिहाजा हम यही चाहते हैं कि वहाँ भी पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट को वहाँ जी परवेज आप लगातार बने रहे हमारे साथ, प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं, रईस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस जो आपके पीछे प्रदर्शनकारी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश कीजिए जो उनके वहां पर पाकिस्तान में शिया भाई बैठे हैं उनके लिए क्या ये मांग करते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस प्रदर्शन से वो क्या जाहिर करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं और यहाँ पे भी जो है जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है, जिस तरह से यहाँ पे इत्तेफाक है, उसी तरह वहाँ पे भी होना चाहिए। किस चीज़ को लेकर आप ये कल जो एक पाकिस्तान कारा चनारा में एक सानिया हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों को 13 लोगों को शहीद किया गया, जिसमें 8 असातिज़ा थे जो कि शिया कम्युनिटी से वाबस्ता होते थे। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये खाली हम एक कौम के लिए, एक फिरके के लिए नहीं निकले हैं, ये बस हमारा प्रोटेस्ट है जो कि आलम इस्लाम बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। ये एक हम गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को तो नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जिम्मेवार है, दूसरी कोई गवर्नमेंट है। यह आपको पता ही है कि पूरे दुनिया में मुसलमानों को की यूनिटी मतलब बाकी कौमों को बर्दाश्त नहीं होती है, जो कि हर जगह पे मुसलमानों को बिखरना देना चाहते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं उन भाइयों के लिए जो शिया भाई उस साइड है, जो ये शहीद हुए, हम उनके लवाकिन के लिए ये बस दुआ करें कि वो सब्र से काम ले, और जो ये जालिम है हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जुल्म की ज्यादा देर चलती नहीं है, ऊपर वाले का कहर जब आएगा तो कोई जुल्म नहीं रहेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने में फेल रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? सीधी सी बात है, आप देख लीजिए इससे पहले भी मासूम बच्चे, जिसमें वो 250 बच्चों शहीद किए गए, वो भी एक यूनिटी मतलब सिक्योरिटी नेगलिजेंस थी, फेल थी सिक्योरिटी, जिसमें मतलब ये आपको सीधे लगता है कि सिक्योरिटी तो प्रोवाइड उनको नहीं होती, वरना ऐसे हादसा, वरना ऐसे बेदर्द। जी जी रईस, बिल्कुल। तो यहाँ पर पाकिस्तान पर साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से फेल रहा है और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जगह जगह आज कश्मीर में देखने को मिल रहा है। रईस और परवेज आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 जे के एलएच के साथ। नमस्कार नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आप